नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर जिले के ओसियां थाना क्षेत्र में एक युवक की पानी के होद में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि भोजासर के आउ निवासी किशोर एक कृषि फॉर्म पर कार्य कर रहा था। वह होद में पानी का पाइप डालने के लिए चढ़ा, लेकिन पैर फिसलने से वह होद में जा गिरा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जोधपुर के केंद्रीय कारागृह में फिर से मोबाइल व सिम मिला। पुलिस ने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से निश्चित सामग्री को लेकर तलाशी अभियान चलाया गया और तब वार्ड संख्या 6 के बैरक संख्या 2 में बंदी शाहिद के पास मोबाइल व सिम मिली। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में ट्रैक्टर से गिरकर एक महिला घायल हो गई, जिसे परिजनों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी खाजूवाला पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 0RD के पास ट्रैक्टर पर सवार होकर पूरा परिवार शादी समारोह में जा रहा था। इस बीच ट्रैक्टर से गिरने पर सीता देवी घायल हो गई, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया। जोधपुर शहर के बॉम्बे मोटर चौराहा स्थित एक मोबाइल शोरूम मालिक ने 5.25 लाख के मोबाइल खरीदने के बाद रातों रात शोरूम बंद कर दिया और फिर फरार हो गया। देवनगर पुलिस ने बताया कि इस संबंध में सुशील भंडारी की तरफ से रिपोर्ट दी गई और इसमें बताया कि सैमसंग कंपनी के शोरूम का संचालन भीनमाल के वणधर का रहने वाला इंद्र सिंह करता है। गत 15 जुलाई को उसे 5,25,894 रुपए के मोबाइल दिए थे, लेकिन वह उसी रात को दुकान से सारा माल समेटकर फरार हो गया। जोधपुर शहर में इन दिनों टिड्डियों के हमले लगातार जारी हैं। एक दिन पहले जहां ये दल भदवासिया सारण नगर इलाके में था, वहीं शुक्रवार को टिड्डियों का दल शास्त्री नगर व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में पहुंच गया। टिड्डियों का यह दल आसमान से काफी नीचे था, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों ने थाली व अन्य बर्तन बजाकर इन टिड्डियों को भगाने का जतन किया। जोधपुर में बीएसटीसी संघर्ष समिति ने रीट प्राथमिक लेवल प्रथम से बीएड को बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया कि कई राज्यों में प्राथमिक लेवल में बीएड को शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए रीट लेवल 1 में बीएसटीसी और डीएलईडी धारियों के विद्यार्थियों को सुरक्षित रखें। जोधपुर भवन एवं अन्य सनिर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष श्यामलाल मेघवाल ने बताया कि सरकारी योजनाओं में श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। राजस्थान में सावन और भादवे का महीना बारिश के लिए अच्छा माना जाता है और इसमें भी सावन का महीना हर तरफ से कई खुशियां लेकर आता है। इस माह बारिश के अच्छे संकेत लेकर लोग आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार सावन का महीना आधा बीतने को है, इसके बावजूद इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हो पाई है। एमएसएमई लोन प्रदान करने की सुविधा में तेजी लाने के लिए यूनियन बैंक की ओर से जोधपुर शहर में सरल केंद्र की शुरुआत की गई। जोधपुर दौरे पर आए बैंक के क्षेत्र प्रमुख कंवल सिंह रावत ने सरल केंद्र का उद्घाटन किया। सरल प्रमुख हंसमुख सहरिया, यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर अनिल गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। जलदाय विभाग के नगर वित्त में अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास के निर्देश पर नीम गिलोय की कलम व मास्क वितरित किए गए। इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए गर्म आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। एडवोकेट विजय शर्मा ने बताया कि बेहतरीन कार्य कर सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। लॉयंस क्लब जोधपुर ने पुलिस थाना नागौरी गेट के अधिकारियों एवं समस्त सिपाहियों का माल्यार्पण कर एवं कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मान किया। लॉयंस क्लब के सदस्य यशोदा, अरुणा चौधरी, अनीता चौधरी, वंदना ने थानाधिकारी पाना चौधरी सहित सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। जोधपुर के निकटवर्ती मथानिया थाना क्षेत्र स्थित शराब की दुकान में एक सेल्समैन से मारपीट हो गई। पुलिस ने बताया कि जाटीपुरा निवासी बिरमा राम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें पुलिस को बताया कि बींजवाड़िया में उसकी शराब की दुकान है। उस पर बींजवाड़िया निवासी कुलदीप सिंह ने दिलीप आदि आए और दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की और साथ ही वहां रखी शराब की बोतलें तोड़कर उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।